रात को निकलने में मजा आता है बढ़िया सा। हाँ, फेस्टिव वाइब और रोहिणी भी अपना बढ़िया सुंदर सा लगता है। बढ़िया लग रहा है कुछ ये पास्ता। किसने बनाया? वेलकम है जी आपका एक और डेली ब्लॉग में। आज है भाई दूज का दिन, आइए दिन चालू करते हैं। हैप्पी भाई दूज आप सब लोगों को। टीका लगा लिया? सब दीदियां अपने अपने घर में खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। भगवान उन सबको खूब खूब तरक्की दे। आयुष्मान बाबा, यशवी बाबा, तेजस्वी बाबा और दीर्घायु बाबा। हैप्पी टिक्का एंड हैप्पी भाई दूज टू एवरीवन। गॉड ब्लेस ऑल ब्रदर सिस्टर्स। हम लोग खाएंगे खिचड़ी। और जो हमारा डीजी फैमिली वाली जितनी भी दीदियां हैं, जितनी भी फीमेल मेंबर हैं, उन सबको भी भाई दूज की खूब खूब ढेर सारी दीदियों और भैयाओं सबको। दीदी भैया सबको, वेरी वेल वेल सर। सब दीदियां सब भैयाओं को, जो भी भाई बहन है उन सबको भी हमारी तरफ से खूब खूब ब्लेसिंग्स। मेरी तरफ से, इनकी तरफ से गुड विशेस। सब अब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। चलो हैप्पी टीका टू ऑल, हैप्पी भैया दूज टू ऑल। चलो जी खिलाओ जी, खिचड़ी खिलाओ। खिचड़ी दही, ये हमारा टिक्के और राखी का ट्रेडिशनल खिचड़ी और दही। हमारे घर में ये बनती है भाई, मूंग साबुत की खिचड़ी और दही, ये होता है। इसके बाद और इसके देसी घी, देसी घी खा के फिर सो जाओ। बस ज्यादा बनाई थी खिचड़ी आज। खिचड़ी इतनी ज्यादा कैसे बच गई? जिनको ज्यादा खिचड़ी स्वाद लगती है उन्होंने कम खाई है खिचड़ी। आज ज्यादा बनाई थी आपने शायद। गायन ने खिचड़ी बहुत कम खाई है। गायन भूख नहीं लग रही बेटा? खिचड़ी बहुत कम खाई है आपने। खिचड़ी कम खाई है। कम क्यों खाई है इतनी खिचड़ी? अच्छा, भाभी अपने भाई को टीका लगाने गई है। हाँ। ये भाभी को लेने जाएगा तो वहाँ पे इसने लंच भी करना है। हम लोगों के लिए भी कुछ कुछ बना हुआ है सुबह सुबह। तो स्पेशल खिचड़ी बनी है और एक पास्ता भी बना हुआ है। पास्ता, भाई ये पास्ता भी नहीं खाया आपने यार। अभी यार मैंने रात में लेट कर रहा हूँ इतना। कोई नहीं भाभी पास्ता अपने भाई के लिए बना के लेके गई है टिक्के पे। और नहीं, उसने बनाया था आधा, यहाँ पे भी छोड़ के गई है, तेरे लिए भी छोड़ के गई है। तो टेस्ट करेंगे ना। हाँ। ना भाभी आएगी तो भाभी के साथ ही टेस्ट करेंगे ना फिर। तो भाभी को भी पसंद है, भाभी के भाई को पसंद है तो। और ये मैं पापा और भाभी के लिए एक चीज लाया हूँ कल, वो जब आएंगे ना तो ही दिखाऊंगा। वो कुछ नहीं, वो मैंने सारी वो कॉन्फिस्केट कर ली। क्या बात है भाई? नहीं वो पापा आपके हक की चीज लाया हूँ मैं। नहीं मम्मा क्या ना, बाहर से कठोर है अंदर से नरम है। कोई बात नहीं, बस चुप बैठे रहो। थोड़ी देर में आप नहीं दूंगी मम्मा, थोड़ी देर, थोड़ी सी, एक पैकेट। चलो कोई नहीं, कोई नहीं यार, थोड़ा सा टेस्टी पास्ता टेस्ट कर रहा था, एकदम टेम्पटेशन सी हो रही थी। बाकी जब भाभी आएगी तब खाएंगे। चलो भाई आज है मतलब 5 days की सेलिब्रेशन होती है दिवाली की, धनतेरस की, छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। तो आज मार्क्स द कम्प्लीशन ऑफ ऑल सेलिब्रेशन। अब कल से ना जो वजन बढ़ा ना उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पूछ रही थी मैं नम्रता क्या पहन के गई है, तब मेरे से मम्मा पूछ रही क्या पहन के गई है। सुंदर वाले हमने उस दिन खरीदे थे शॉपिंग। मैं वो रात को खरीदी थी ना तुम्हारी, मैं मुझे इतना पता, वो सामने झुमके जो मुझे दिखाए थे तो मुझे याद है। तो मैं वो सुंदरू, मैंने ये बोला बच्चों सुंदरू लग रही है दोनों, मैं बाकी मुझे ध्यान नहीं है। मैं तभी मैंने बोला ना भाई आ गई अमनु, अब देख लो भी क्या डाला उसने। मम्मी भी यही कहती कैसे मैचिंग कर रहा है तेरा पिन के साथ, कंट्रास्ट में मैच कर रहा है। मैंने कहा मेरा मन करता तो पहन लिए। कंट्रास्ट नहीं इसमें, ये पिंक कलर है छोटे छोटे, इसमें काम है कंट्रास्ट में, एक्सेंट है ना, एक्सेंट है, एक्सेंट है, सुंदर लग रहा है। चलो नाइस, ठीक है। और बना लिया अच्छे से? हो गया। आप लोग भी? अरे मेरे को ब्लॉग देख के अभी बस नींद लगी थी, 10 मिनट भी नहीं हुए देख के। अब घंटा रेस्ट कर लो फिर चल लो, कर लो हम भी नींदों में। भाई तो सो रहा है। टी मसाला बनाते हैं। चाय मसाले में डाल रहे हैं पहले सौंफ, डाल रहे हैं इलायची, डाल रहे हैं दालचीनी, और क्या डालेंगे इसमें?
जो तुम्हारा मन है जो वो ही डलेगा। थोड़ी सी काली मिर्च, बहुत थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, काली मिर्च और मोटी इलायची डाले, मोटी इलायची नहीं, थोड़ा सा जायफल डाल दो, जायफल दे, जायफल दे, वो डालते हैं जिंजर पाउडर, वो भी डाल दो थोड़ा, ना ड्राई ड्राई सॉल्ट पाउडर। अब इसमें एक हम डाल देते हैं लौंग, तो हमारा फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा लौंग भी नहीं है इसमें, लौंग भी डालेगा इसमें, ये लौंग हो जाएगी, फिर इलायची भी है इसके अंदर, फिर गाना चलेगा। गाइस मैं तो सो गया था थोड़ी देर, वो यार वो खिचड़ी के अंदर देसी घी जो पड़ता ना, दैट इज अ वेरी खतरनाक इंग्रेडिएंट टू। ओह हो 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 हो, आ रहा हूँ, पीस रहा हूँ ना, बचपन में फ्रेंच पढ़ी थी, फ्रेंच में ना वर्ड था इसके लिए कि अभी मैं उठ गया हूँ बट अभी उठा नहीं हूँ, हाँ ये ऐसे ना, इसके लिए फ्रेंच में एक वर्ड था, आई वोक अप बट आई एम नॉट फुली वेकन अप, तो वो वाली फीलिंग है अभी, और अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो सारा लीक हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर में, और अगर कभी लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज़ हो भी सकती है कि नहीं। और चाय, थैंक यू, इवनिंग टेस्ट टाइम। आगे जा रही है Hyundai Tucson न्यू जनरेशन, लुक्स नाइस, अरे i20 साइड टू, कैसे बैडमिंटन खेलते हैं, यहाँ पे शटल डाली हुई है, ऊपर शटल डाली हुई है, इतना कितना गुस्सा निकाल रहे हैं भाई बैडमिंटन पे, खेलो भाई आराम से मजे से खेलो, क्या इतना प्रोफेशनल हो गए, खेल लो, देखो सब अंकल मस्त से खेल रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा पसीना बहाया, बैक टू होम, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे फिर वापस काम रिज्यूम करेंगे। ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है कुछ ये पास्ता है कि नहीं, अच्छा भाभी भाजी ने बनाया सुबह सुबह, भाई दूज स्पेशल बना के लेके गई थी ना अपने भाई के लिए, भैया के लिए बनाया, फिर हमारे लिए भी है, टेस्टी बनाया, मैं तो सुबह से दूसरी बार करूँ, अब हम लोग उसको खा के फिर काम रिज्यूम करेंगे। बढ़िया बैडमिंटन खेला आज ना, बैडमिंटन खेला था, लोग ऐसे ऐसे बैडमिंटन खेल रहे हैं, इतनी ऊंची छत है मतलब 25-30 फीट की, उसके ऊपर शटल डाल दी, ऐसे ही होता है जो सर्विस होती है ना, ऐसी ऊपर ऊपर तक जाती है, हम ऐसे ही खेलते होते थे हवा में, एरियल बैडमिंटन चल रहा है, एरियल नहीं वो ऐसा होता है जो मेक इट टफ, क्योंकि इतनी ऊपर चल जाती है, जब नीचे आती है ना तो जो नोविस प्लेयर होते हैं वो दे कैन कांट जज की वो किधर आएगी, उनसे लग नहीं पाती शॉट, इतने प्रो लेवल के प्लेयर थे, रैकेट तोड़ रहा था, एक बंदे ने सर्व करी होगी फिर ऊपर उसको आइडिया होगा उसने, जा यार सर्व ही नहीं ले पाया, रैकेट तोड़ दिया, रैकेट टूटा हुआ था, दो शटले ऊपर चली हुई थी, पता नहीं कैसे गिरते लोग हमारे, ऐसे ही वो ऐसे जो टाइम देख रहा ना, जैसे तू हैरान हुआ ना, ऐसे फर्स्ट टाइम ये प्रकाश पादुकोण जब ये इंग्लिश ओपन जीते थे, उससे पहले की बात है, तब इतने फेमस नहीं हुए थे, तो ये हमारे वो जलंधर के हंसराज स्टेडियम जो मैंने बताया ना, जहाँ हम खेलने जाते होते थे, वहाँ ऐसे ही ऊपर बना रखा, और ऊपर पूरी हाइट बना रखी है, वुडन फ्लोर हैं सारे, और ऐसे ऊपर वो बना रखे, तो कोई साउथ का प्लेयर था उनके, वो भी साउथ के थे, तो फाइनल में जैसे आते तो मैच देख रहे थे, तो वो प्रकाश पादुकोण स्मैश बहुत अच्छी थी, तो वो जो स्मैश है तो दूसरा प्लेयर उसको थकाता है ऊंची ऊंची करके, वो इतनी ऊंची कर रहा था ना, मेरे ख्याल से थर्ड फ्लोर तक तो हो गई होगा, इतना आइडिया आज के जमाने में, तो वो उसने वो जब सर्विस करी ना इतनी ऊंची गई कि ऊपर वो ऐसे वुडन की ना ऐसे बनी हुई थी, वो जाके शटर वहीं टिक गई, वहीं टिक गई, फिर दोबारा करनी पड़ी उसको, मतलब इतनी ऐसे करके ऐसे पकड़ के ऐसे पूरा ध्यान लगा के ऐसे जाती है कि मतलब कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक तो आराम से शटर से जाती है, फिर नीचे आती है। भाई हम दोनों का मैचिंग डिनर, पूरी सब्जी और अदरक लच्छा, एग्जैक्ट सेम थिंग्स, क्या पी रही हो जी, कॉफी कॉफी शॉप पे क्या पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा मेरी मम्मा, आप क्या पी रहे हो कॉफी शॉप पे, लेमन वाली मम्मा, लेमन मोइटो पी रही है और मैं पी रहा हूँ फ्रेंच वेनिला, चीयर्स चीयर्स चीयर्स, मेरी कैपेचिनो, भाई की मुक्का और भाभी की और मेरी मैचिंग मैचिंग सेम सेम फ्रेंच वेनिला, और सबसे टेस्टी मेरा, हां इसे टेस्टी बनाता है यार, रात को निकलने में मजा आता है बढ़िया सा, हां फेस्टिव वाइब और रोहिणी भी अपना बढ़िया सुंदर सा लगता है, मौसम ठंडा ठंडा,
कॉफी तो पिया, कॉफी अब कॉफी डाइजेशन हो रही है, अब सैर हो रही है। सब जान रात ऑफ कर रहे हैं, ऐसे सर्दियों में रात को सैर करने में बड़ा अच्छा लगता है। यस, बिना बिना मौसम हो रहा है, अच्छी अच्छी खुशी। कौन सा वाला मौसम? कौन सा वाला मौसम? ये भाई भाई बोल रहा था क्या? कौन सा? लोगों ने बहुत कमेंट करा था, रात की रानी। चांदनी मम्मा भाई ने ना वो ब्लॉग में पूछा था, तो लोगों ने बहुत लोगों ने बताया था, व्हाइट कलर का दिखाया था ना जो, बहुत सारे डीजी फैमिली के लोगों ने कमेंट किया था रात की रानी, ऐसे कुछ बताया था। हाँ, और इसी से हम लोग ब्लॉग खत्म करते हैं आज का। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, कल मिलेंगे बहुत बढ़िया एक और डेली ब्लॉग में।